Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! क्रिकेट के सरताज और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के ठीक पीछे यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी आज 41 साल के हो गए। महेंद्र सिंह धोनी भले ही यहां नहीं है, वह लंदन में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उनके जन्मदिन की खुशियाँ राजधानी रांची में उनके घर के पास देखिए किस तरह से यहाँ पर मनाई जा रही है। उनके फैंस के तरफ से जो नए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर केक काटकर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए ये चार केक है जिसमें एक में एम लिखा है, एक में ए लिखा है, एक में एच लिखा है और एक में आई लिखा है। ये महेंद्र सिंह धोनी के प्रति दीवानगी है कि देखिए यहाँ पर तस्वीर में जो है केक खिला रहे हैं और केक उनके चेहरे पर लगा रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं ये तमाम जो उनके प्रशंसक हैं। सुबोध जी, हर एक साल की तरह इस साल भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी सर, हर साल की तरह इस साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ केक का। लास्ट ईयर ग्राउंड बनवाया था, उससे लास्ट ईयर चेन्नई सुपर किंग का बनवाया था। इस साल आप देख रहे हैं कि माही लिखा हूँ हर केक पे अलग अलग लेटर का, तो हर साल मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता हूँ इनके लिए, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। अब जब मैं स्ट्रगल टाइम में होता हूँ तो इनको इनकी मूवी और इनको याद करके बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसी को इन्हीं को देख कर मैं आज जो भी हूँ अपने छोटे से लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है माही को, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखा हूं। और अभी भी मेरे बच्चे जितने भी हैं वो डेली चाहते हैं, यहां से बालकनी दिखता है या फिर घर है सामने, हर कोई जाते हैं, घर के बाहर खड़े रहते हैं कि काश एक बार माही भैया मिल जाए। और बहुत सारे बच्चों को मैं जब एकेडमी से छुट्टी करता हूं वो जाते घर के पास तो मिलते भी हैं, बहुत लोग मिले हैं, बहुत लोग देखे हैं, वीडियो बनाया है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उनके मैं हरमू से आकर अब उनके घर के बगल में आ गया और कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद वहां से मिलेगा हमारे बच्चों पे और हम पे। क्या बोल रहे हैं? भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलते भी रहता है, जब कभी जाते हैं रास्ते में भैया निकलते हुए स्टेडियम जाते हुए रहते हैं, हम लोग मिल जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। यूके जाने से पहले हम लोग का दर्शन भी हुआ था। अब हम लोग का होप ये कि भैया यहाँ पे आ जाएं, एक बार मोटिवेट हम लोग को कर दे, हम लोग और आगे भगवान मानते हैं, बस हम लोग के लिए भगवान है वो। ऐसा है कि मिलना नहीं, दर्शन करना, मतलब सोच लो मंदिर की तरह पूजना उस घर को। मैं आता हूँ एकेडमी जब भी तो मैं उधर से टर्न होकर आता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मंदिर है, तो वहाँ से मैं होकर फिर एकेडमी प्रणाम कर, हाँ वहाँ एकेडमी मेरी बहुत सारी फोटो है वहाँ और यहाँ का बच्चों का इतनी इतनी आस्था। सर क्रिकेट मैं खेलता हूँ और क्रिकेट उनसे मतलब जुड़ा हूँ जब से ना, तब से एक लाइफ में अलग चेंज आया है। बहुत कुछ मतलब कूल काम कैसे होके किसी चीज़ को झेलना है, प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे एक दूसरे से तालमेल बना के रहना है, तो वो कुछ सीखने को मिला, तो उससे जीवन ज़्यादा बेहतर हो गया इनसे मिलने के बाद। क्या क्या आप भी यहीं पर सिखाते हैं? जी बिल्कुल, हम सुबोध भैया से के साथ जुड़े हुए हैं और एकेडमी के साथ हमारा जुड़ाव है और हम सब एक परिवार की तरह हैं धोनी फैंस के तौर पे। और कहते हैं कि अलग अलग क्रिकेटर के फैंस होते हैं लेकिन हम लोग माही भैया के भक्त हैं, उनको भगवान के तौर पर मानते हैं, चूँकि हम लोग के लिए एक पहचान है, प्रेरणा है। और सबसे बड़ी बात है कि माही भाई इतने बड़े स्तर पर जाने के बाद, भारतीय कप्तान बनने के बाद, जो कि जो भी इतिहास उन्होंने रचा, चाहे वर्ल्ड कप जीतना हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो, आईपीएल जीतना हो, उससे बड़ी बात यह है कि माही भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, एक सरल स्वभाव के इंसान है। उतने बड़े पद पर होने के बाद भी कभी भी वो कोई किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जल्दी आते नहीं और किसी भी तरीके के गलत बयानबाजी में नहीं फंसते हैं, एकदम साधारण रूप से एकदम सिंपल रहता है। जैसे कि आपने कभी देखा कि वो 40 रुपये में अपने घुटनों का इलाज करे, तो इस तरह का उदाहरण ना काफ़ी टच करता है इंसान को, हम को काफी इंस्पायर करता है कि एक एक छोटे बहुत से छोटे, आप भी जानते हैं कि 2004 के दौर में झारखंड का कोई अस्तित्व तो बहुत ज्यादा नहीं था, भारतीय मानचित्र पर एकदम साधारण रूप से झारखंड को लोग जान रहे थे कि हाँ भारत में उत्तराखंड और झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन माही भाई के आने के बाद क्या हुआ कि भारतीय पृष्ठभूमि पर झारखंड को लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, रांची को रिकॉग्नाइज करें। और हम जब भी बड़े शहरों में जाते हैं लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, तो हम आसानी से बता पाते हैं कि हम रांची से आए हैं और काफी वो एक फीलिंग आता है कि हम लोग पॉजिटिव फीलिंग के साथ बताते हैं कि हम लोग रांची से आए। नक्सलाइट की वजह से जाना जाता था, निगेटिव इंपैक्ट होता, लेकिन माही भाई कहना चाहिए राज्य के प्रति पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, तो काफी हम लोग गौरव महसूस करते हैं माही भाई के साथ जुड़ा होकर। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंस्पिरेशन देते हैं ना कि आप छोटे स्तर से कैसे बड़ा जाया जा सकता है मेहनत करके। माही भाई हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रैदर देन रिजल्ट, आप प्रोसेस पर फोकस करते जाएंगे ना तो रिजल्ट एक बाई प्रोडक्ट है। वैसे हर छोटे चीज को बड़े कैसे करने का प्रोसेस में माही भाई का एक बड़ा योगदान है। जैसे कि आपका एक चैनल है, जैसे आप फॉलो अप है, आपने काफी छोटी शुरुआत की, अब आज आपका वीडियो 20
मिलियन 25 मिलियन सब लोग देखता है, तो आप खुद इंस्पायर करें, तो आप कहीं ना कहीं आपका भी, आपकी भी कहानी माई भाई के साथ जुड़ी, एक छोटे शहर से कैसे बड़ा स्तर पर जाना, उसी तरीके से सबके स्टोरी में माई भाई का काफी इम्पैक्ट होता है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में, सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।